बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक नए सेट ऑफ सर्टिफिकेट्स जो कि फ्री सर्टिफिकेट्स हैं, फ्री ट्रेनिंग्स हैं, फ्री कोर्सेज हैं, उनको लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ही शॉर्टेस्ट वीडियोस हैं, क्लिप्स हैं, और एक वेबसाइट पे एक पूरा डेटाबेस है। यहाँ आप अपने पसंद के, अपने चॉइस के, अपनी मर्ज़ी के वीडियोज़ देख कर उनसे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हासिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट मैंने आज ही 5 सितंबर 2020 को हासिल किया है, जो कि रिलेटेड है फिनटेक से, और यहाँ पे उसका टाइटल भी गिवन है। और आप देखें, साथ ही मैंने एक और भी सर्टिफिकेट, मैंने इसके अलावा भी सर्टिफिकेट्स ट्राई किए हैं, लेकिन मैं सिर्फ दो दिखा के आपको बता सकता हूँ कि एक दिन में भी अगर आप एक या दो सर्टिफिकेट हासिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप अपने CV को बूस्ट कर सकते हैं, अपने किसी एरिया ऑफ स्टडी में, फील्ड में आप उसको इनरिच कर सकते हैं। ये भी, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये भी 5 सितंबर 2020 की सर्टिफिकेट है, और कोई 1 घंटे की है, कोई आधे घंटे की है, कोई 50 मिनट की है। और इंटरेस्टिंगली, इफ़ यू हैव नो टाइम, अगर आप शॉर्ट ऑफ टाइम हैं और आप एक वक्त देख नहीं सकते लेकिन आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप ट्रेनिंग पे क्लिक करके आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं और बाद में आके उसको वॉच कर सकते हैं, बाद में दोबारा उसको देख सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल साइट है, यूज़फुल टूल है, यूज़फुल हमारे पास एक प्लेटफार्म है जो कि ब्राइट टॉक के नाम से जाना जाता है। मैं इसके बारे में अभी आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा। मैंने कहा पहले आपको बताऊं कि जी बिल्कुल, आप सर्टिफिकेट फ्री में हासिल कर सकते हैं। तो इन सर्टिफिकेट्स के हासिल करने के लिए हमारे पास ब्राइट टॉक का ये इदारा है, और ये इदारा US बेस्ड इदारा है, और ये काफ़ी अरसे से इस पर काम कर रहा है। ये 2002 में लंदन में बनाया गया है, और इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो सैन फ्रांसिस्को है, कैलिफोर्निया, जो कि यूनाइटेड स्टेट में है। और उसके साथ ये एक टेक्नोलॉजी मीडिया कंपनी है जो कि प्रोफेशनल वेबिनार होस्ट करते हैं, और वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज में, बहुत ज़्यादा फील्ड्स में ये लोग काम कर रहे हैं। हेडक्वार्टर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, और इनके जो फाउंडर हैं उनका नाम भी यहाँ पे गिवन है, बाकी डिटेल्स भी उनके बारे में यहाँ पे काफ़ी कुछ गिवन है। मैं ये लिंक भी आपके साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करूँगा, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं कि इनके पास ये क्या क्या फैसिलिटीज़ और क्या क्या प्रोडक्ट्स और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन जो कि आपके इंटरेस्ट की चीज़ है वो ये है कि ये फ्री ट्रेनिंग्स, फ्री कोर्स और फ्री वेबिनार सर्टिफिकेट के साथ प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल ये जी फ्री है, इसको देखना, इसको वॉच करना, इसको सुनना और फिर इससे सर्टिफिकेट क्लेम करना, ये टोटली फ्री है। ये हाउ मेक मनी, वो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसको देख सकते हैं। वेयर कैन आई फाइंड वेबिनार, जो कि मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, आप वहां पे रजिस्ट्रेशन का तरीका आपको बताऊंगा। रजिस्टर करने के बाद अपने चॉइस के फील्ड में आप कोर्स कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत महदूद टाइम से ज़्यादा टाइम के लिए भी हो सकता है, लेकिन जितना आपके पसंद हो उतना आप देखें और अपना सर्टिफिकेट आप क्लेम करें। और बेस्ट प्लेटफार्म और जूम वेबिनार और आर वेबिनार फ्री, तो वेबिनार आर जनरली फ्री बट मे बी पेड एज वेल। तो आप ज़रूरी नहीं कि आप पेड की तरफ जाएं, आप फ्री वेबिनार्स अटेंड कर सकते हैं और उनमें आप लोग सर्टिफिकेशन भी हासिल कर सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेशन के बारे में भी जहाँ डिटेल गिवन है कि किन किन कोर्सेज में आपको सर्टिफिकेशन मिल सकती है। नॉर्मली आपको हर कोर्स में सर्टिफिकेट और वो भी फ्री में आप हासिल कर सकते हैं। एक वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि कोर्स आप कैसे सर्च कर सकते हैं और रजिस्टर कैसे होंगे। तो सर्टिफिकेशन के साथ साथ इसके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स और बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। अकेडमी है, टास्क हैं, कस्टमर स्टोरीज हैं, ई बुक्स हैं, इवेंट्स हैं, ब्लॉग हैं, और कंपनी के बारे में भी डिटेल और स्पोर्ट्स के बारे में भी यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। तो हम चलते हैं कि सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले हम रजिस्टर करते हैं। तो ये मेन वेबसाइट है, जैसे ही आप ओपन करेंगे, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दिया होगा। आप यहाँ पे सीधा आके ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट को, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपको लॉग इन करना होगा, और लॉग इन करने के बाद आप ये लर्न भी कर सकते हैं और फिर आप सक्सीड होकर सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं। सक्सीड होना कोई मसला नहीं है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। लास्ट नेम हमारे पास मतलब जो भी खान है या जो भी है, आप उसको लास्ट लिखेंगे। पहले दो हैं तो उन दोनों को, दो हैं तीन हैं तो उनको फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम एक होना चाहिए। ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे अपना देना आपको होगा, वो आप यहाँ पे दे दें। तो उसके बाद आप लोग टाइम जोन सेलेक्ट करें, जो कि यहाँ पे कराची का टाइम जोन अवेलेबल है, तो आप वो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी और कंट्री में हैं तो आप वो टाइम जोन अपने लिहाज से वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पासवर्ड आप लोग अपना जो भी रखना चाहें वो आप लोग रख सकते हैं। तो ये पासवर्ड आपने रख दिया है, और फिर आपने इसके ज्वाइन के बटन पर क्लिक करना है। तो ज्वाइन के बटन के साथ क्लिक करने पर आप लोगों का ये आप ज्वाइन कर सकते हैं।
और ज्वाइन करने के बाद आप लोगों के पास ये एक विंडो आ जाएगा, आपका अकाउंट बन चुका होगा और आप उसमें एक्टिव उसके मेंबर बन चुके होंगे। तो उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास ऑलब्राइट टास्क हैं, या बिजनेस मैनेजमेंट के देखना चाहें, फाइनेंस के देखना चाहें, ह्यूमन रिसोर्स के देखना चाहें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के देखना चाहें, मार्केटिंग के, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, सेल्स, वॉट एवर फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं, आप उसके टास्क और उसकी चीज़ें देख सकते हैं। तो उसमें आप लोग जाएंगे तो आपको यहाँ पे टास्क मिलेंगे, कंटेंट मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, ई कॉमर्स, डिमांड जनरेशन, मोबाइल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबिनार वीडियो मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑपरेशन एंड ऑटोमेशन, देयर इज ए लॉन्ग लिस्ट। आप उसमें जितना आगे चलते जाएंगे आपको चीज़ें नजर आती जाएंगी। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में सिर्फ एक नहीं होगा, यहाँ भी सेवरल वेराइटीज़ के आपके पास कोर्सेज होंगे। कुछ वो हैं जो ऑलरेडी लाइव हैं और रिकॉर्डेड हैं, और कुछ हैं जो अपकमिंग हैं। तो आप अपकमिंग में जाके देख सकते हैं कि कौन सा आपको पसंद है, तो उसको आप उस डे में, सितंबर 8 है और जो कि अभी तक नहीं आया, और उसके बाद सितंबर 9, और इस तरह से ये अपडेट सितंबर 10, 12, इस तरह से अपडेट होते रहेंगे। तो आप लोग देखते रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 1358 रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल हैं, तो हर सेशन के लिए आप डिफरेंट सर्टिफिकेट क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सर्टिफिकेशन अवेलेबल हैं। आप अपनी पसंद की, अपने चॉइस की सर्टिफिकेट की तरफ जाके उसको सुनना, उसको देखना, उसको समझना और फिर सर्टिफिकेट लेना। तो मैं सजेस्ट करता हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि सर्टिफिकेट तो आप अभी भी चाहें ले सकते हैं, 5 मिनट में ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जिस चीज़ में आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, यू मस्ट लर्न दैट फर्स्ट एंड देन हैव द सर्टिफिकेट्स, और फिर वो सर्टिफिकेट करके प्रेजेंट करें और उसके बारे में पूछें तो आपको पता भी होना चाहिए। लेकिन अगर इमरजेंसी में आपको सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए तो आप सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कितने ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक्स हैं और फील्ड्स हैं, और कितने डिफरेंट कोर्सेज हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड है या बाकी फील्ड से रिलेटेड, वो आप क्लेम कर सकते हैं, उनमें आप जा सकते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस ऑन ए जर्नी ऑफ चेन मैनेजमेंट, जो कि एक नया और बिल्कुल बेहतरीन फील्ड है, आप इस फील्ड में जा सकते हैं और इसके सर्टिफिकेट्स हासिल कर सकते हैं। और मार्केटिंग के अलावा, मार्केटिंग में और भी बहुत ज़्यादा, आप ये देखो, योर डेटा ड्रिवन मार्केटिंग है, और भी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग के फील्ड्स हैं। इनमें से आप कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं चूंकि मार्केटिंग फील्ड का नहीं हूँ, तो मुझे कोई खास मार्केटिंग का पसंद नहीं आया। तो चलते हैं हम फाइनेंस में, देखते हैं कि फाइनेंस में कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेंज एजेंट ऑडिटर, फिनटेक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आप इसमें कर सकते हैं। यूरोपियन इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन है जो कि बहुत ही इन टॉपिक है, यूके फाइनेंशियल एडवाइजर है, CFO स्ट्रेटेजी, जो कि बहुत ही अच्छे पोस्ट पे लोग होते हैं और उनकी स्ट्रेटेजीज किस तरह की होती है, यूके वेल्थ मैनेजर कैसे बनते हैं, बैंकिंग एंड ट्रेजरी को कैसे कंट्रोल किया जाता है, और US फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैसे काम करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, वेंचर कैपिटल, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इस तरह के टॉपिक्स पे मैं, चूंकि फिनटेक मुझे पसंद है, तो मैं फिनटेक पे जाना चाहूँगा। मैंने एक कोर्स, मैंने बताया था कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले फिनटेक पे ये ट्रेनिंग की है, और इसको आप जैसे देखेंगे, क्लिक करेंगे तो वॉच नाउ पे जाएंगे, 25 मिनट्स का, और यू कैन विन अ सर्टिफिकेट। तो इस तरह के कोई भी आप कोर्स में जाएं, और इन कोर्सेज में ये जितने भी आपको लिस्ट नज़र आ रहा है, ये हर कोर्स एक डिफरेंट कोर्स है, कोई 36 मिनट का है, कोई 28 मिनट्स का है, तो आप उसकी सर्टिफिकेट क्लेम कर सकते हैं। तो मैं अभी जाना चाह रहा हूँ किसी एक ऐसे सर्टिफिकेट्स में जो कि हम उसको चलाएं, और हम मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखाऊँ कि कैसे ये सर्टिफिकेट हासिल की जाती है। मैं फिर से ये कहना चाहूँ कि सर्टिफिकेट हासिल करने का मतलब अपने CV को बोस्ट करना, अपने स्किल्स को पॉलिश करना, अपने एरिया, अपने फील्ड के चीज़ों को देखना कि दुनिया में क्या हो रहा है। अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड हैं तो फाइनेंस से रिलेटेड देखें, अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड हैं तो मार्केटिंग से रिलेटेड देखें, लेकिन फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, सेल्स, इन सारों के सर्टिफिकेशन भी आप ले सकते हैं कि एक जर्नल फील्ड है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपको उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एस्पेक्ट ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग फॉर फिनटेक एनालिसिस, तो आप इसको कैसे यूज करते हैं, तो लेट्स सी ये कैसे काम करता है, हम यहाँ पे देखते हैं। ये एक ट्रेनिंग सेशन है और ये ओपन हो रहा है, और ये ट्रेनिंग सेशन आपके पास ओपन हो गया है। मैं इसको म्यूट कर देता हूँ ताकि वॉइस हमें डिस्टर्ब ना करे। आप देख सकते हैं कि इसके स्लाइड्स यहाँ पे चलेंगे। ये प्रोफेसर साहब हैं इंडिया से, और इस तरह से यूके से, US से, आपको किसी भी एरिया में आप कोई भी टीचर से पढ़ सकते हैं और उससे गाइडेंस ले सकते हैं। तो मैं अगर इसको सुनने की बजाय, आप, मैंने इसको क्लिक किया है, आप वॉच लेटर करना चाहें तो भी कर सकते हैं, व्यू सर्टिफिकेट करना चाहें आप अभी सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ज़रूर
फैनटेक रेट करें, और उसके बाद रेट करने के बाद आप उसको कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप खुश नहीं हैं और आपको पसंद नहीं है तो आप एक और ट्रेनिंग की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेनिंग्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको इस फील्ड में कोई पसंद नहीं आ रहा तो आप फील्ड चेंज करने के लिए दोबारा पे यहाँ आ सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट, मैं किसी फील्ड पे क्लिक करता हूँ तो वो उस फील्ड के सर्टिफिकेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेशंस है, सेल है, स्मॉल बिजनेस है, फाइनेंस है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं स्मॉल बिजनेस पे क्लिक करके देखना चाहता हूँ कि यहाँ कौन सी सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं, तो एक लंबा लिस्ट आ जाएगा। रिस्क प्रोटेक्शन है, किस तरह से है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, इसको देखते हैं कि इसमें क्या कुछ अवेलेबल है। तो ये एक प्रोग्राम ओपन हो गया है और इसके बारे में ये कोर्स अवेलेबल है और आप ये सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं इसके बारे में भी। तो ये हम देख सकते हैं कि ये व्हाट इज डिजिटल रिस्क प्रोटेक्शन, ये एक सीईओ की तरफ से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और ये एक ट्रेनिंग है, तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके जो कंटेंट है यहाँ पे एजेंडा वो दिया हुआ है, उसके बारे में आप देख सकते हैं कि व्हाट इज डिजिटल रिस्क, रिस्क थ्रेट एंड कंट्रोल, मैनेजिंग डिजिटल रिस्क, और ये सारी बातें अगर एक मिनट हम सुन लेते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। Vulnerabilities and security controls, and then most importantly, really talking about. तो ये इसके बारे में थोड़ा सा नेट स्लो है, पूरा नहीं चल पा रहा, तो मैंने इसको स्टॉप कर दिया है और आप इसको सुन सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, ये देखो व्यू सर्टिफिकेट्स मैं नहीं क्लिक करना चाह रहा, लेकिन आप इसको सर्टिफिकेट्स गेन कर सकते हैं। इतना कुछ देखने के बाद आप इसके सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँ कि ऑल अगर ब्राइट टास्क की तरफ हम जाएं तो कितने हमारे पास ऐसे टास्क अवेलेबल हैं कि हम उनकी सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। तो हैज ए ह्यूज लिस्ट, इट्स यू कैन से दैट इट्स इन लैक्स, 1,18,000 सर्टिफिकेट्स जो कि आपके पास लाइव और रिकॉर्डेड मौजूद हैं, लाइव वेबिनार और वीडियोस हैं। तो आप अगर किसी फील्ड के बारे में सर्च करना चाहें तो आप फील्ड के बारे में सर्च कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में अगर इंटरेस्टेड हूं तो मैं देखना चाहूंगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में अगर कुछ अवेलेबल है या नहीं है। तो वाई क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन इज की टू फाइनेंशियल इंक्लूजन इन साउथ ईस्ट एशिया, तो इस तरह से व्हाट इज ओपन फाइनेंस एंड हाउ डू वी गेट देयर। तो आपको एक लंबी लिस्ट है, देखो इस सर्च में आप जा सकते हैं, आपको एक बहुत ज्यादा कोर्सेज हैं जो कि आप कर सकते हैं। तो मैं एक पे क्लिक करके आपको सिर्फ सर्टिफिकेट दिखाता हूं और आपको बताता हूं कि सर्टिफिकेट को कैसे क्लेम किया जाता है, कैसे आप एक छोटी सी टाइम में थोड़े से देर के लिए आप सर्टिफिकेट विन कर सकते हैं। तो उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग इसको सीखते रहना, इसको फॉलो करते रहना, इसको देखते रहना, और आप देख सकते हैं कि कोविड के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब लाइव अपडेट्स और टॉपिक्स के बारे में भी आ रहे होते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग विन कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं, और प्रोग्राम है आप उसको सुन सकते हैं। तो आई सजेस्ट कि आप इनमें से ज़रूर वीडियोस देखें और सर्टिफिकेट्स क्लेम करें और फिर उन सर्टिफिकेट्स को यूज़ करें और अपने सीवी को उसके ज़रिए से बूस्ट करें, और ज़रूर देखें कि वो चीज़ आपको आती भी है, और आप ये देखें कि कुछ चीज़ें हैं जो कि आगे हैं, सितंबर में आने वाला है, आप इसको, मैंने बुक तो किया है लेकिन मैंने अपने इसको ऐड करना है अपने कैलेंडर में कि मैं इसको इंशाल्लाह देखूँगा। तो ये देख लेना कि आप कोई ऐसा क्लिक करें जो ऑलरेडी हो चुका है, जो कि लाइव रिकॉर्डेड है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वो उसको आप लोग देख सकते हैं। तो उसको आप लोग वॉच नाउ, उसका ऑप्शन आ रहा होगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हम इसको अभी सुन सकते हैं। जैसा कि ये है, ये ऑलरेडी प्रोग्राम ऑन एयर हो चुका है, ये ट्रेनिंग सेशन गुजर चुका है, तो इसकी सर्टिफिकेट्स आपको ऊपर लिखा हुआ भी नजर आएगा, आप इसको वॉच भी कर सकते हैं। ये एक घंटे का सेशन है और इसमें एक्सपर्ट्स राउंड द वर्ल्ड अवेलेबल हैं। तो आई सजेस्ट के मैं इसको रेट कर देता हूँ, जो कि मैंने सुना नहीं है, सॉरी टू से दैट। तो आप इसको सुनने के बाद आप इसको रेट करें, और रेट करने के बाद ना करना भी चाहें तो भी एक मेरे ख्याल से इशू नहीं है, लेकिन बहरहाल रेट करना चाहिए जो कि उतना आप टाइम और रिसोर्सेज दे रहे हैं। तो आप उसके बाद सर्टिफिकेट पे क्लिक करें, मैं सर्टिफिकेट पे क्लिक कर रहा हूँ, लो जी मेरा तीसरा सर्टिफिकेट आ गया है आज के दिन का। तो आप इस सर्टिफिकेट को देखें, ये उसी टॉपिक के बारे में है, डिजिटल पैनल पर्पस एंड लाइंस। तो आप इस तरह के सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं, और ये सर्टिफिकेट आप लोग अपना सेव कर लें, अपने पास रख लें, और अपने सीवी में कम से कम, ये आदमी नहीं कहेगा कि मेरे पास सीवी में लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो लिखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होता है, और जस्ट हमने ये करना होता है कि हम उसके लिए
खुद को प्रिपेयर करें और खुद सर्टिफिकेशन हासिल करें। और अगर आप इस तरह से एक्टिव रहेंगे तो इतना कुछ होगा आप कहेंगे यार कौन सा लिखूं कौन सा नहीं लिखूं, तो ये ऑब्वियसली ऐसा ही हो सकता है। तो ऐसा तब होगा जब आप थोड़े से एक्टिव हो जाएंगे और अपने प्रोफाइल को बूस्ट करेंगे और प्रोफाइल पर काम करेंगे। तो सेप्टेम्बर 5 के मेरे पास 3 सर्टिफिकेट हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप ज़रूर इस वेबसाइट को यूज़ कीजिए, ज़रूर विज़िट कीजिए, ज़रूर सर्टिफिकेट गेंस कीजिए। और इस तरह के और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स के वीडियोस मैं बना चुका हूँ और आइंदा भी बनाता रहूँगा, जो आप लोग देखेंगे और फिर उसके ऊपर उसको सुनना और फिर उसको फॉलो करके अपने CV को बूस्ट करना, अपने इसके अलावा मैं स्कॉलरशिप्स के बारे में शेयर करूंगा, उनमें अप्लाई करना, इसके अलावा और ट्रेनिंग सेशन होंगे उनके बारे में, रिसर्च के बारे में, टीचिंग के बारे में मैं ज़रूर ऐसी अपडेट आपके साथ शेयर करता रहूंगा, HGRS के बारे में, TTS के बारे में, तो इन सारे मामलों पर इंशाल्लाह मैं बात करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम।